अनीता राज जी के पिता जगदीश राज भले ही अपने समय के गिनीज बुक रिकॉर्डधारी अभिनेता रहे हों, लेकिन अपने घर में और बच्चों के सामने वो किसी सामान्य पिता की तरह ही रहते थे। घर में कभी फिल्मों की बात नहीं होती थी, ना ही फिल्मी दुनिया की गॉसिप्स के लिए उनके यहाँ कोई जगह मिलती थी। जगदीश राज जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा। तीनों को पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सख्त हिदायत थी। अनीता राज अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। चूंकि जगदीश राज जी की 2 लड़कियां थीं तो दोनों को नृत्य की शिक्षा दी गई, लेकिन ये सोचकर नहीं कि आगे चलकर इन्हें फिल्मों में काम करना है। जगदीश राज जी महीने में सिर्फ 1 दफ़ा फिल्म दिखाने अपने बेटियों को ले जाते थे, मगर किसी फिल्म स्टार की तरह नहीं बल्कि किसी आम इंसान की तरह। कुल मिलाकर बच्चों के बीच जगदीश राज जी की छवि कुछ ऐसी थी कि बच्चे अपने पिता को चाहते भी बहुत थे और उनके सामने बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। एक इंटरव्यू में अनीता राज जी ने अपने बचपन का एक किस्सा सुनाया था, जो कुछ इस तरह था कि एक दफ़ा उन्हें स्कूल की एक पिकनिक में जाना था। चूँकि अनीता राज जो छोटी थी तो थोड़ी सी शरारती भी थी और उनकी शरारतें सिर्फ अपनी माँ के सामने ही चलती थी, पिता के सामने तो वो भोली भाली बन जाती। तो हुआ कुछ यूँ कि जगदीश राज जी किसी आउटडोर शूट पर गए थे। अनीता राज को जिस दिन अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना था उससे एक शाम पहले जगदीश राज जी घर वापस लौटने वाले थे। अनीता राज की किसी शरारत से इनकी माँ इनसे नाराज थी। माँ ने इनसे कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिता से करूँगी, देखना वो तुम्हें पिकनिक नहीं जाने देंगे। अनीता राज को लगा कि माँ वैसे ही बोल रही हैं, उनके पिता तो उन्हें बहुत चाहते हैं, वो भला उन्हें क्यों पिकनिक पर नहीं जाने देंगे। शाम को जब पिता आए और माँ ने उनसे अनीता की शिकायत की तो उन्होंने अनीता को डांटा और कहा तुम बहुत शरारती हो गई हो, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें आराम से मिल जाता है, लेकिन फिर भी तुम अपनी मम्मी को परेशान करती हो, कल तुम पिकनिक पर नहीं जाओगी। अनीता को लगा कि पिता फिलहाल गुस्से में ये बोल रहे हैं, पिकनिक पर जाने के लिए वो रोकेंगे तो नहीं। लेकिन अगली सुबह जब अनीता राज ने पिकनिक पर जाने की बात की तो जगदीश राज ने इनसे कहा कि तुम आज पिकनिक पर नहीं जाओगी, माँ को परेशान करने की सज़ा आज तुम्हें मिलकर रहेगी। उस दिन अनीता राज खूब रोई, लेकिन जगदीश राज जी ने उन्हें पिकनिक पर जाने ही नहीं दिया। अनीता के स्कूल के फ्रेंड्स भी उन्हें बुलाने घर आए, लेकिन जगदीश राज जी ने उन सभी को बड़े प्यार से वहाँ से चलता कर दिया। सालों बाद उस घटना को याद करते हुए अनीता राज कहती हैं कि वो उनके पिता द्वारा उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए उठाया गया एक कदम था, जो कि बहुत ज़रूरी था। हर माता पिता को अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, डिसिप्लिन में रहने वाले बच्चों का अच्छा विकास होता है।